राम राम दोस्तों, मैं राकेश गोचर आप सभी का आज की ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे विमा की डायमेंशंस। तो विमा के बारे में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यदि हम मूल भौतिक राशियाँ मतलब द्रव्यमान, लंबाई, ताप, समय आदि को एम एल टी के आदि के पदों में व्यक्त कर दें, तो प्रत्येक भौतिक राशि को जब हम इस पदों में लाएंगे उनके सूत्र से, तो एम एल टी के आदि पर जो घाते आएगी उसको क्या कहेंगे, उस भौतिक राशि की विमा कहेंगे। फिर हमने मोटे तौर पर उस भौतिक मतलब विमा के कहाँ कहाँ विमा को हम काम में ले सकते हैं, तो पहला तो पता लगा था हमें कि हम किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि विमीय दृष्टिकोण से मेरा सूत्र सत्य है या नहीं है। यदि मेरा कोई रिलेशन स्टैब्लिश है तो आवश्यक रूप से उसको विमीय दृष्टिकोण से सत्य होना ही होगा, मतलब राइट हैंड साइड की विमा और लेफ्ट हैंड साइड की विमा मेरी समान होना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। उस पर बेस्ड हमने पिछले दो लेक्चरों में कुछ क्वेश्चंस देखे। हमने ये पता लगाया था कि हम सिर्फ विमाओं से विमा का ही मिलान कर सकते हैं, हम कांस्टेंट के बारे में जो उसकी कोई विमा नहीं होती उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाते हैं। ये एक इसका ड्रॉबैक था, एक कमी थी। तो मैंने दूसरा उपयोग आपको बताया था कि विमा का उपयोग करते हुए हम सूत्र स्थापित कर सकते हैं, मतलब यदि कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच क्या रिलेशन होगा वो हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसी वाले टॉपिक को कंसीडर करने जा रहे हैं, क्या कि विमीय विधि द्वारा भौतिक राशियों के मध्य सूत्र स्थापित करना। ठीक है, तो आज का लेक्चर मेरा यही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि देखो मेरा एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन होगा। तो एक्स और वाई के बीच में सपोज के वाई है, जहां के क्या कांस्टेंट है, जहां के क्या है, एक कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाई स्क्वायर होता तो मैं इसको ऐसे लिख पाता, लिख पाता, दिक्कत नहीं है। अगर ये ऐसे होता, एक्स प्रोपोर्शनल, सॉरी, यदि ये इस प्रकार होता कि x बराबर c अपॉन y क्यूब, c अपॉन y क्यूब, जहां पे c कांस्टेंट ही है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख पाता, या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, y की घात -3, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर ये होता x बराबर साइन थीटा नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, कांस्टेंट ही ले लेते हैं, है ना, 2 2z, जहाँ z एक कांस्टेंट है, इंटू अंडर रूट वाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वाई, मतलब x प्रोपोर्शनल टू y की घात 1/2 लिख सकता हूँ। मतलब इन इन चीज़ों से देखना, एक इस व्यंजक से, एक इस व्यंजक से, एक इस व्यंजक से, मतलब मेरी कोई भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर होती है तो मैं एक भौतिक राशि को प्रोपोर्शनल करके दूसरी भौतिक राशि की किसी एक कुछ मतलब घात कुछ भी हो सकती है ना, इस रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। ठीक है, यही मेरा सारांश है जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो आज के लेक्चर में मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी कोई भौतिक राशि है क्यू, क्या है मेरी भौतिक राशि क्यू, ये एक भौतिक राशि x पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, x पर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर a लिख सकता हूँ। ठीक है, यही भौतिक राशि q मेरी y पर भी निर्भर करती है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, y की पावर b, जहाँ a b और b जो आगे जो आएंगे ये कॉन्स्टेंट है, फिक्स वैल्यूज होगी, 3 2 5, 1/2, -3, कुछ भी हो सकती है। एक और भौतिक राशि, यही भौतिक राशि q मेरी एक अन्य भौतिक राशि जड़ पर निर्भर करती है, तो क्या मैं इसे इस स्वरूप में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। ठीक है साहब, इनको नाम दे दो, समीकरण 1 2 3। अब इन तीनों समीकरणों से, समीकरण 1 2 व 3 से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको संयुक्त रूप से, क्यों क्यों निर्भर करता है x की पावर a पर इंटू y की पावर b पर इंटू z की पावर c पर, कंबाइन रूप से लिख सकता हूँ, ये इस पर भी निर्भर कर रही है, ये इस पर भी निर्भर कर रही है, ये इस पर, तो संयुक्त रूप से इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जब कांस्टेंट हटाया था तो प्रोपोर्शनल लगाया था, या प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, बराबर कोई कांस्टेंट k, x की पावर a इंटू y की पावर b इंटू
जेड की पावर सी, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, ये अपना काम हो गया। क्या काम हो गया? देखो, ये हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया कि यदि कोई भौतिक राशि क्यू अन्य भौतिक राशियों एक्स वाई एवं जेड पर निर्भर करती है, तो मैं उनसे इस प्रकार लिखूंगा, एक्स की घात ए पर निर्भर कर रही है, वाई की घात बी पर निर्भर कर रही है, जेड की घात सी पर निर्भर कर रही है, तो संयुक्त रूप से एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब अगर ये रिलेशन सत्य है, मतलब इसे सत्य होने के लिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भौतिक राशि जो भी होगी इसकी विमा हमें पता होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर विमा आ जाएगी, मतलब इस पर एम एल टी के पदों में कोई ना कोई घाते मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी सब। अब इधर राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में के क्या है? एक कांस्टेंट, विमाहीन राशि, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई विमा नहीं है। एक्स एक भौतिक राशि है, कुछ भी हो सकता है, दाब, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी इसकी क्या होगी? विमाएं होगी। इसकी विमाओं के ऊपर घात लगेगी ए, तो वो उन पर असर डालेगी। जैसे अगर एक्स है क्षेत्रफल एल स्क्वायर, तो एल टू की घात ए, जैसे एल स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया एक्स, इसकी घात कितनी है ए, तो ये कितना आ जाएगा एल टू ए, आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार से वाई की विमाएं होगी, उसके घात बी लगेगी, जेड की विमाएं होगी, उस पर घात सी लगेगी। तो संयुक्त रूप से इनमें राइट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, एम एल टी के पदों में जो भी घातें आएंगी उनको जोड़कर लिख दूंगा, और इसको विमीय दृष्टिकोण से सत्य होना ही होगा सूत्र को। तो इधर एम पे जो घात है और इधर एम पे जो घात है उनको क्या होना है? बराबर होना है। तो एम पे घात और इधर एम पे घात उसको बराबर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? एक समीकरण मिल जाएगी। इसी प्रकार जो इधर एल पे घात है और जो इधर एल पे घात है उसे आपस में बराबर करूंगा तो मुझे दूसरी समीकरण मिल जाएगी, और टी की घात और इधर टी की घात की वैल्यू को मैं बराबर करूंगा तो मुझे तीन समीकरण मिल जाएगी। तो तीन समीकरणों से मैं क्या कर लूंगा, ये जो तीन अननोन है ए बी सी उनकी वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो उनकी वैल्यू निकालने के बाद फाइनली वो वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। सपोज ए की वैल्यू एक आई तो एक्स वाई बी की वैल्यू टू आई तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर, जेड की वैल्यू माइनस वन आई तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड के कॉन्स्टेंट यथावत रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, मैंने क्या करा, एक दो तीन, तो मुझे एक दो तीन में मतलब तीन इक्वेशन मिली, मैंने एम एल और टी की घातों को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बराबर किया तो मुझे कितनी इक्वेशन मिली? तीन। तो एक बात नोटिस करो, हम तीन इक्वेशनों से केवल तीन वेरिएबल को ही निकाल सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास चार वेरिएबल हो जाए तो कम से कम चार इक्वेशंस की आवश्यकता है। मतलब अगर यही भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि P पर भी निर्भर कर रही होती तो इधर एम एल टी इधर तीन समेशन तो मिल जाते, लेकिन मैं इक्वेशन कितनी बना पाता? तीन। अब चार वेरिएबल हो जाते क्योंकि डी भी आता ना, क्यू प्रोपोर्शनल टू पी की पावर डी। अब चार वेरिएबल और तीन इक्वेशन क्या निकल पाते, क्या नहीं निकल पाते? तो इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका एक नुकसान भी है कि इस प्रकार से हम केवल उन्हीं सूत्रों को स्थापित कर सकते हैं जिनकी वैल्यू, मतलब समीकरण में हमें तीन समीकरणें प्राप्त होती हैं, और अगर तीन ही वेरिएबल है तो हम उनका रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई ताप पर भी निर्भर कर रहा होगा तो के या थीटा की भी कोई घात आ जाएगी, उसको कंपेयर कर लेंगे, तो चार वेरिएबल। लेकिन अगर एम एल टी पर ही निर्भर कर रहा है और चार भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है तो इस विधि से हम वो सूत्र स्थापित नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है आप शायद समझ गए होंगे, अन्यथा फिर क्वेश्चंस में मैं आपको और भली भांति समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लेक्चर का सारांश यही है। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे कि 11th या 12th में जहाँ पे भी जिस भी कक्षा के सिलेबस में ये टॉपिक हो वहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार उसको देख लेते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ और एक आध क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो मित्रों, मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि श्यान बल क्या है? एफ, ठीक है। ये निर्भर करता है द्रव के श्यानता गुणांक नीटा पर, यह निर्भर करता है बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर पर, एवं यह निर्भर करता है अंतिम वेग वी पर। तो आप इसका इसके साथ संबंध स्थापित कीजिए बल का, ठीक है। कुछ नहीं करते हम, क्या करते हैं, मेरा बल श्यानता गुणांक, मतलब श्यान बल किस पर निर्भर कर रहा है? श्यानता गुणांक पर, नीटा इसकी पावर स्मॉल ए लिख देता हूँ, इंटू किस पर निर्भर कर रहा है? त्रिज्या स्मॉल आर इसकी पावर बी लिख देता हूँ, एवं किस पर निर्भर कर रहा है? वेग, अंतिम वेग
सी पर, कोई दिक्कत नहीं है, निर्भर कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल लिख दिया मैंने, घाते कुछ होगी, अंडर रूट वंडर रूट जो आएगा आ जाएगा। अब मैं प्रोपोर्शनल हटा रहा हूँ तो क्या लिख दूँ, एक कॉन्स्टेंट लिख दूँ के, कोई दिक्कत नहीं है सर, नीटा की पावर ए इंटू आर की पावर बी इंटू वी की पावर सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं विमाएँ निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, फोर्स, फोर्स की विमा हमने रटी पड़ी है, क्या होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू, कोई आपत्ति नहीं है, वेरी गुड, बराबर के, के की क्या विमा, के तो शुद्ध नियतांक है, विमा ही कोई विमा नहीं है, इसको छोड़ो, नीटा, नीटा की विमा, श्यानता गुणांक की विमा, जो पहले विमा के लेक्चर में मैंने आपको पीडीएफ दिया था उसमें बताया था कि कुछ विमा इंपॉर्टेंट है उनको याद रख लेना, तो इसकी विमा आएगी, ठीक है, ये तो हुई नीटा की विमा, लेकिन इसकी पावर क्या है, ए, तो यहां पर लगाओ ए, स्मॉल ए लगा दिया, इंटू आगे क्या है, आगे है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब लंबाई, लंबाई मतलब एल लिख दूं, एल कुछ नहीं है मतलब वन, इसकी पावर कितनी है, बी, लगाओ बी, ये क्या है, वेग, वेग मतलब मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्या, लंबाई, प्रति सेकंड, सेकंड नीचे है तो ऊपर आएगा तो माइनस वन, घात कितनी है, सी, लगा दो सी, ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, देखना जरा आगे कहीं एम है क्या, नहीं है, तो एम के ऊपर पावर के ऊपर पावर है तो पावर गुणा हो जाएगी, ये एम की पावर आई ए, ठीक है, इंटू, सॉरी इंटू छोड़ो, एल की पावर देखते हैं, एल की पावर माइनस वन इंटू ए माइनस ए, तो ये माइनस ए, एल की पावर बी हो गया तो प्लस बी, एल की पावर सी हो गया तो प्लस सी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वेरी गुड, अब टी की पावर देख लेते हैं, तो टी की पावर यहाँ से कितनी आई, माइनस ए, यहाँ टी है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, है, कितनी आई, माइनस सी, माइनस सी, तो सर हमारे पास फाइनली इस स्वरूप में आ चुका है एम एल टी के पदों के रूप में, और इधर एम एल टी कितना है, एम वन एल वन टी माइनस टू। अब देखो ये सूत्र सत्य है, मैंने बना दिया कि ये सूत्र ये है भाई, अब ये सत्य है तो विमीय दृष्टिकोण से भी सत्य होगा, विमीय दृष्टिकोण से सत्य मतलब इस पर एम पर जो घात है वही घात इधर भी होनी चाहिए, तो क्या है, मैं लिखूंगा विमीय समांगता से, विमीय समांगता से, समांगता से, कैसे, एम पर कितनी घात है, एक, तो इधर लिखूंगा मैं स्मॉल ए बराबर एक, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, दूसरी घात क्या है, एल पर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यही थी, इधर क्या आ रहा है इसका मान, एक, तो इसको किसके बराबर कर दो, एक के बराबर, कोई आपत्ति नहीं है, वेरी गुड। अब देखो ये हो गई मेरे पास समीकरण एक, ये हो गई समीकरण दो, और ये हो गई समीकरण तीन, क्या है, टी के पावर माइनस ए माइनस सी बराबर इधर कितना आ रहा है, माइनस टू, समीकरण तीन। अब तीन इक्वेशन हैं, तीन वेरिएबल हैं, सॉल्व करने हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, इसमें एक बार ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस वन, माइनस सी बराबर माइनस टू, तो सी उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस का सी, और टू इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस का टू, तो प्लस का टू माइनस वन कितना आया, वन, ये सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू खटाक से पहले ही आ गई थी डायरेक्ट, ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देते हैं हम, इक्वेशन नंबर टू में, तो ए की वैल्यू क्या रखूँगा, वन, तो माइनस चिन्ह पहले से, ए की वैल्यू रखी मैंने वन, क्या है बी, मुझे पता करना है बी, अभी तक पता नहीं लगा, सी की वैल्यू क्या आई, वन, तो प्लस वन बराबर कितना है, वन, लिख दो वन, अब ये वन से वन कट गया, ये माइनस का वन उधर जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा, बी का मान कितना आ गया, वन, तो ए बी सी का मान क्या मिला मुझे, वन वन वन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः मेरा इस सूत्र क्या होगा, अतः मेरा रिलेशन होगा कि F बराबर K इंटू नीटा की पावर वन इंटू दूसरा क्या था, त्रिज्या R की पावर वन इंटू अंतिम वेग V की पावर वन, या फिर बराबर K इंटू नीटा R V, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे k क्या है, एक स्थिरांक है, ठीक है, बाद में प्रयोगों से पता चला कि k का मान कितना है, 6 पाई के बराबर, तो f बराबर 6 पाई नीटा आर वी,
ये मेरा आंसर हो गया। ये वैल्यू आपको अभी याद नहीं है, याद नहीं भी हो तो कोई पाप नहीं किया हमने, ठीक है। समय आएगा जब जिस सूत्र पढ़ेंगे तो हम अपने आप स्मरण हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, हमने ये रिलेशन विमीय दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते हुए कितना स्थापित कर सकते थे इसको यहाँ तक, ये प्रैक्टिकल द्वारा निकाली गई वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लिया, कुछ नहीं करना, जिस पर भी निर्भर कर रहा है उन पर निर्भर करवा दो, घाते ए बी सी लगाते हुए एक कॉन्स्टेंट लगा दो, इधर इसकी विमाएं लिखो, इधर इन सब की विमाएं लिखो, एम एल टी पर जो फाइनल विमाएं आएगी उनको प्लस माइनस करके लिख दो, इधर की विमाएं इधर के बराबर कर दो, तीन इक्वेशन मिल जाएगी, तीन वेरिएबल है, वैल्यूज निकाल लो, सॉल्व कर दो, इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दो, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इतना आसान है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप स्वयं कर सकते हैं, अपनी बुक से भी कर सकते हैं, या पीडीएफ में मैं कुछ और क्वेश्चन भी दे दूंगा जो सॉल्व हुए पड़े हैं, आप स्वयं भी प्रैक्टिस कर लें, बाद में मिलान कर लें, देख लें आंसर एबीसी के वैल्यू सही तो आ रही है ना, फाइनल हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। तो मित्रों मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, कि किसी डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति स्मॉल एन, ठीक है, उस डोरी की लंबाई स्मॉल एल एवं डोरी में तनाव टी एवं एकांक लंबाई में डोरी के द्रव्यमान एम पर निर्भर करती है, तो इनमें सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। देखो पहले क्या बोल रहा है कि वो आवृत्ति इन पर निर्भर करती है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, आवृत्ति प्रोपोर्शनल किसके, लंबाई एल पावर लगा दूं ए, इंटू किसके तनाव डोरी में तो बी, इंटू किसके एकांक लंबाई में द्रव्यमान इसके सी के, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। अब बाद में क्या करूँ मैं, कांस्टेंट लगा दूँ, के लिख दूँ, ठीक है, वही सब चलने दो, एल ए इंटू आवर्त सॉरी टेंशन इंटू के पावर सी। अब सबसे जो टर्निंग पॉइंट आता है या फिर ध्यान रखने वाली बात है वो विमाएं सही रखने वाली बात है, यही वाली बात है। अब हम दोनों साइड पे विमाएं रखते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है प्रति सेकंड, जैसे एक पंखा कितनी बार घूम रहा है, तो ये घूम रहा है 25, तो इसको आवृत्ति होगी 25 चक्कर प्रति सेकंड, ये आवृत्ति है चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। या फिर एक लाइट एक मिनट में कितनी बार लपझप हो रही है, तो या फिर कितनी बार फ्लिकर हो रही है, बंद चालू हो रही है, तो जैसे 50 बार, तो 50 प्रति सेकंड, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब एक बटा सेकंड। अब वो सेकंड ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, प्रति सेकंड। तो क्या एम जीरो एल जीरो और टी की पावर माइनस वन, क्योंकि प्रति सेकंड सेकंड किस में, नीचे अपॉन में है, ठीक है। अब इधर की विमाएं देख लेते हैं, के क्या है, शुद्ध नियतांक है, शुद्ध नियतांक विमाहीन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखो डोरी की लंबाई, लंबाई किस में नापते हैं हम, एल, तो उसको एल से लिखेंगे, घात कितनी है ए, तो ए आ जाने दो। अगला क्या है, डोरी में तनाव, तनाव क्या, बल, तो बल की विमा एम वन एल वन टी माइनस टू, इसके ऊपर घात कितनी लग रही है, बी। बाद में क्या है, m, m द्रव्यमान नहीं है, इकाई लंबाई में द्रव्यमान है, इकाई लंबाई में द्रव्यमान मतलब m मास है l लंबाई का, तो इकाई लंबाई का मास कितना, m अपॉन l मतलब किलोग्राम प्रति मीटर, या फिर m1 l माइनस वन, ठीक है, अपॉन वाला ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, m1 l माइनस वन, इसकी पावर कितनी आ रही है, c लगा दो, c, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब इनको थोड़ा और व्यवस्थित कर लेते हैं, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, इधर देखते हैं पहले एम, एम पर इधर कुछ है क्या, नहीं है सर, इधर है क्या है, बी, वन इंटू बी बी, इधर वन इंटू सी सी, तो बी प्लस सी, ये टोटल घात आ गई। एल 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 की विमा कितनी है यहाँ पे, ए, ए यहाँ पे कितनी है, बी, तो प्लस बी, यहाँ पे कितनी है, सी, लेकिन माइनस के, तो माइनस सी। टी की विमा कितनी है, देखो देखें एम एल यहाँ पे है, टी कितना आएगा, माइनस टू बी, ये हो गया। अब विमीय दृष्टिकोण से ये सूत्र सत्य होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तो घातों की तुलना कर दो, तो लिख दो क्या, विमीय समांगता से, ठीक है।
क्या विमीय समांगता से बी प्लस सी बराबर जीरो, समीकरण नंबर एक। दूसरी क्या है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो, एल के ऊपर दोनों तरफ घाते बराबर होनी चाहिए ना, समीकरण नंबर दो। समीकरण तीन क्या है, माइनस टू बी बराबर कितना माइनस वन, क्या मेरी समीकरण नंबर तीन, माइनस कट गया माइनस, बी की वैल्यू कितनी आ गई एक बटा दो, बी की वैल्यू आई। ये बी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ समीकरण एक में, देख लेते हैं क्या आ जाएगा। देखो समीकरण एक में मैंने बी की वैल्यू पुट करी एक बटा दो, तो एक बटा दो प्लस सी बराबर जीरो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के एक बटा दो। इसमें किसी को कोई आपत्ति है क्या, माइनस के एक बटा दो, ये मेरे पास किसकी आ गई वैल्यू, सी की। अब बी और सी की वैल्यू समीकरण दो में रख देते हैं हम, इसमें रख देते हैं और इसमें भी रख देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है एक बटा दो, माइनस ये माइनस, सी सी की वैल्यू कितनी है माइनस के एक बटा दो बराबर जीरो, देख लो बराबर जीरो, ठीक है। तो देखो ए प्लस एक बटा दो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक बटा दो बराबर जीरो, तो ए बराबर कितना आ गया आधा, और आधा कितना हो गया एक, और ये उधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस वन, कितना हो गया ए बराबर माइनस वन, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सूत्र स्थापित करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, मैंने सूत्र क्या लिखा था कि आवृत्ति बराबर के एल की पावर ए, एल की पावर ए, ए ए कितना है माइनस वन, इंटू टी की पावर बी, टी टी तनाव, बी के मान कितना है एक बटा दो, एक बटा दो, इंटू एम, एम की पावर सी, सी का मान कितना है माइनस एक बटा दो, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको इस तरीके से लिख दूं, के अपॉन एल, ये अपल अपॉन में चल गया माइनस वन था तो, और ये एम अपॉन में आ जाएगा तो एक बटा दो हो जाएगा, और ये ऊपर है एक बटा दो है मतलब अंडर रूट, टी अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा माइनस है तो कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हमने सूत्र स्थापित कर लिया कि आवृत्ति इन पर जो निर्भर करती है, डोरी में तनाव, प्रति इकाई लंबाई में द्रव्यमान एवं डोरी की लंबाई एल में आवृत्ति किस प्रकार से निर्भर करती है, इस प्रकार से निर्भर करती है। यहाँ पे के क्या है, नियतांक है, प्रयोगों से पता चला कि के की मान कितना है एक बटा दो, तो आवृत्ति का मान कितना आता है वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी अपॉन एम, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहिए तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, याद है तो आप इसको लिख दिए, ठीक है। तो इसी प्रकार के कई सारे और क्वेश्चंस भी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से ज़बरदस्ती तीन चार पाँच क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, फंडा यही है सिंपल सा। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आपको लगे दो या तीन क्वेश्चनों में हाँ ये बात मुझे समझ में आ गई, तो ज़बरदस्ती 200 क्वेश्चन करने की आवश्यकता आपको भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।